हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग कैसे हो आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे शो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आप लोगों से मैं रीजनिंग का टेस्ट हूँ स्पेशल यू पी बी एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए फ्रेंड्स इस मॉक टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 10 और लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा उसका भी जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ही देना है और टेन क्वेश्चन में से आपका जितना भी स्कोर जाए तो आप लोग अपना नाम स्कोर जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है आपको यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है तो इसमें जो है कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है अगर आपको आंसर सोचने का ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं ओके तो फटाफट बताइए त्रिभुजों की संख्या जो है कितनी है इसमें फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा तो चलिए इसको हम काउंट करते हैं तो सबसे पहले हम छोटे छोटे जो है त्रिभुजों को गिन लेते हैं यहाँ पे देख सकते हैं एक हो गया दो हो गया तीन हो गया चार हो गया पाँच हो गया ठीक है छः हो गया यहाँ पे सात हो गया आठ हो गया नौ हो गया दस हो गया ठीक है ये तो हो गए छोटे छोटे दस हो गए ठीक है उसके बाद ये वाला एक हो जाएगा तो दस एक ग्यारह हो जाएगा ठीक है ग्यारह के बाद आपका ये बड़ा वाला बारह हो जाएगा ठीक है बारह हो गया ठीक है उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला ये आपका हो जाएगा ये तो 13 आपके जो है टोटल त्रिभुज हैं ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चंस का राइट आंसर दूसरा प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं उस वेन आरेख चित्र को चुनिए जो त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज एवं समकोण त्रिभुज के बीच के संबंध को शुद्ध रूप से चिन्हित करता है फटाफट -फड़ इस क्वेश्चंस का राइट आंसर बताएं जो भी जो है शुद्ध रूप में चिन्हित करता हो उस वेन चित्र को बताइए तो वो वेन चित्र है आपका ऑप्शन ए वाला ठीक है ये आपका त्रिभुज हो जाएगा ठीक है ये वाला ये त्रिभुज हो गया आपका उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा और यहाँ पे विसम्बाह त्रिभुज हो जाएगा तो ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं विलुप्त संख्या ज्ञात करना है यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं जो भी संख्या है यहाँ पे तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो आएगी 12. कैसे आएगी ये भी हमें पता होना चाहिए ठीक है देखिए यहाँ पे 12 का जो है मल्टीप्लाई दो में किया गया बारह का मल्टीप्लाई जो है दो में मल्टीप्लाई किया गया तो कितना आ गया चौबीस और यहाँ पे जो छब्बीस है छब्बीस से हमें चौबीस को माइनस कर देना है तो कितना आ जाएगा दो ठीक है अब दो का मल्टीप्लाई यहाँ पे चार में किया गया है तो कितना आ गया यहाँ पे आठ आ गया जो कि आठ यहाँ पे लिखा जा रहा है ठीक है उसी तरह इसमें करना है पंद्रह का मल्टीप्लाई हमें दो में कर देना है तो कितना आ जाएगा तीस और सैंतीस में हमें जो है तीस को माइनस कर देना है तो कितना आ जाएगा सात आ जाएगा अब दो का मल्टीप्लाई हमें कर देना है तो इसमें कितना आ जाएगा चौदह चौदह जो कि इसमें लिखा हुआ है ठीक है उसी तरह ग्यारह का मल्टीप्लाई में दो करेंगे कितना आ जाएगा बाईस और अट्ठाईस यानी बीच वाले से हम इसको माइनस कर देंगे तो 28 में से जब हम माइनस बाईस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 6 में हमें दो का मल्टीप्लाई कर देना है तो कितना आ जाएगा बारह जो कि ऑप्शन बी में जो दिया गया है ठीक है अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं दी गई श्रेणी में विलुप्त पद ज्ञात करें विलुप्त पद का ज्ञात करना है यहाँ पे के एक्स एन यू एस पी जेड दिया गया है तो जेड के बाद यहाँ पे क्या आएगा इसको आपको बताना है फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा तो देखिए इसमें जो आएगा यहां पे आई आएगा ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगला प्रश्न विलुप्त पद ज्ञात करना है आपको इसमें विलुप्त पद ज्ञात करना है ये वाले में क्या आएगा फटाफट बताइए चौदह आएगा या पंद्रह या सोलह या सत्रह तो देखिए इसमें जो आपका सही होगा वो आएगा यहां पे पंद्रह अब पंद्रह ये कैसे आएगा ये आपको पता होना चाहिए ठीक है यहां पे देख सकते हैं दो हो गया छः हो गया एंड सात हो गया और यहाँ पे माइनस का चार कर दिया गया है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस का वन और कर देंगे ये ब्रैकेट में आएगा ठीक है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दस आ जाएगा ठीक है छः दो आठ आठ सात पंद्रह पंद्रह में से जब हम चार माइनस किए तो कितना आ गया ग्यारह और ग्यारह में से एक माइनस कर दिए कितना आ गया यहाँ पर दस आ गया ठीक है उसी तरह इसमें भी किया गया है तीन और आठ और चार को जोड़कर कर ये वाले छः को जो है माइनस कर दिया गया है एंड फिर बाद में माइनस वन कर दिया गया है जैसे आठ तीन ग्यारह ग्यारह चार पंद्रह पंद्रह में से जब हम छः माइनस करेंगे इतना आ जाएगा नौ और नौ में से एक माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा आठ ठीक है उसी तरह इसमें भी हमें करना है ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं छः और ये छः को जोड़ देना है कितना हो जाएगा बारह ठीक है और आठ को भी जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20 हो गया और 20 से हमें जो है चार को माइनस कर देना है कितना आ गया 16 और 16 में एक और माइनस कर देने कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा ठीक है ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट right आंसर अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यदि किसी सांकेतिक भाषा में दो का मतलब बुक्स आर ओल्ड है तो पाँच का मतलब मैन इज ओल्ड है तीन का मतलब बाई गोड गुड बुक्स है इस कोड में आर का कोड किया होगा ये आपको बताना है फटाफट बताइए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है इसके लिए आपको थोड़ा पेन कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी थोड़ा समय इसमें ज़्यादा लग सकता है तो फटाफट फड़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं। आर का कोड क्या होगा दो का मतलब यहाँ पे क्या है बुक्स आर ओल्ड ठीक है और 546 का मतलब यहाँ पे क्या है 546 का मतलब है मैन इज गोल्ड और तीन सौ अठहत्तर का जो है मतलब यहां पे क्या है बाई गुड बुक्स अब यहां पे पूछ क्या रहा है यहां पे पूछ ये रहा है आर का कोड यहां पे पूछा जा रहा है ठीक है आर का कोड आपको बताना है ठीक है तो आर का कोड आप लोग बताइए तो सबसे पहले इसमें हमें कॉमन वाला छाँट लेना है यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया गया दो और यहाँ पे इसमें में जो है किसी में दो नहीं दिया गया तो इसको छोड़ देना है यहाँ पे पांच पांच जो है इसमें मैच कर रहा है ठीक है पांच पांच हो गया तो अब हमें पता चल जाएगा कि पांच का कोड है क्या यहाँ पर देखिए बुक बुक और किसी में है ये है तो पाँच का कोड आपका जो हो गया हो गया वो हो गया बुक्स ठीक है अभी आर का पूछ रहा है ठीक है अब हम देखते हैं तीन को तीन यहाँ पर है और यहाँ पर है और इसमें हमें देखना है कौन मैच कर रहा है आर तो है नहीं किसी में ठीक है और यहाँ पे देख सकते हैं आर किसी में नहीं है और यहाँ पे ओल्ड है ठीक है ओल्ड भी किसी में नहीं है ठीक है अब हमें जो है ये पता करना है कि आर का कोड क्या है आर यहाँ पे देखना है हमें कहाँ पे है यहाँ पे है ठीक तो आर का कोड ये वाला हो जाएगा आपका दो वाला ठीक है ये वाला ठीक है ये क्योंकि तो पाँच का तो ये वाला हो गया बुक्स तो आर का फर्स्ट वाले में चला जाएगा दूसरा वाला तो ऑप्शन जो है ए वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ठीक है और जैसे यहाँ पे मैन का पूछ लिया जाता है ईच का इच का पूछ जाता है तो, तो चार हो जाएगा गोल्ड का पूछ छः हो जाएगा तो ऐसे ही आपको कर लेना है ठीक है अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं विलुप्त तो पद ज्ञात करें विलुप्त तो पद का ज्ञात करना है इसमें आपको यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है तो फटाफट इस क्वेश्चन का सही जवाब दें आप लोग तो देखिए इसमें जो आपका आएगा वो आएगा चार कैसे आएगा यहाँ पर देखिए चार का मल्टीप्लाई दो में करके माइनस वन कर दिया गया है सात का मल्टीप्लाई दो में करके जो है माइनस का वन कर दिया गया है सात दूनी चौदह ठीक है सात दूनी चौदह और यहाँ पे प्लस वन ऐड कर दिया गया है ठीक है सॉरी प्लस वन उसके बाद पंद्रह पंद्रह दूनी तीस तीस में माइनस वन कर दिया कितना हो गया उनतीस हो गया ठीक है उसके बाद उनतीस उनतीस दूनी कितना होता है यहाँ पे देखिए उनतीस और उनतीस दूनी दोनों अठारह एंड दो दूनी चार एक पाँच तो यहाँ पे जो है प्लस का वन ऐड कर दिया गया यानी कि एक में माइनस किया जा रहा है एक में प्लस किया जा रहा है ठीक है इसमें क्या है प्लस किया गया तो इसमें माइनस किया जाएगा तो इसमें जो है प्लस किया जाएगा तो इसमें जो है आपका माइनस किया जाएगा जैसे यहाँ पर दो है तो दो का जब हम दो का मल्टीप्लाई करेंगे कितना दो पाँच छः दस दो तीन छः एक सात एंड दो दो ने चार चार सौ सत्तर आया जब चार सौ सत्तर में हम माइनस का वन करेंगे तो कितना आएगा चार सौ उनहत्तर ठीक है अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग विषम को ज्ञात करना है आपको तिरसठ पंद्रह इकतीस सत्तावन दिए गए तो इसमें विषम कौन सा है ये आपको बताना है तो देखिए इसमें जो आपका विषम है वो है इकतीस क्यों है क्योंकि इकतीस आपका जो है अभाज्य संख्या है ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यदि इसको जो है इससे बंद किया जा सकता है तो इसको कैसे कोट बंद किया जा सकता है ये आपको बताना है तो इसे जो है ऐसे कोड बंद किया जा सकता है ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर सिंपल क्वेश्चन है आप लोग लगा लीजिएगा तो फ्रेंड्स ये थे टॉप टेन क्वेश्चन अब ये रहा लास्ट वीडियो का क्वेश्चन इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें आठ घटाने पर बत्तीस छत्तीस और चालीस से पूर्ण रूप से भाज होगी तो वो संख्या को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और दस में से आपके जितने भी क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं तो आप लोग अपना नाम स्कोर जरूर से जरूर बताइएगा और ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट की वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में ब्लैक